रायपुर में मंत्री अमरजीत भगत के विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा पूर्ण होने पर बजट प्रस्ताव पास हो गया है। इस दौरान मंत्री ने कहा है कि आम जनता के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण विषय हैं। साथ ही बीजेपी के बहिर्गमन पर भगत ने बयान देते हुए कहा है कि अपनी बातों को कहते रहे और हमारी बारी आई तो पलायन कर गए। वहीं बीजेपी के समय में नान घोटाला हुआ है, हमारे विभाग पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। 24 मार्च के बाद हम इनके हर आरोप का विस्तृत जवाब देंगे। आज खाद्य नागरिक आपूर्ति, संस्कृति, आर्थिक योजना मेरे विभाग का बजट पेश किया और पारित हुआ। चर्चा में खाली भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के साथी अपनी बात बोल करके निकल गए, जवाब सुनने का नैतिक साहस नहीं था। हमने अपनी बात में कहा है कि छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है और यहाँ 80-85% लोग खेती का काम करते हैं। पिछले सरकार में उन लोग इतने दिक्कत में थे कि लोग खेती का काम को घाटा का काम समझ करके छोड़ने लगे थे। उनका कोड़ाई से लेकर के बुनाई से लेकर के खाद बीज सभी में इतने लागत लग जाते थे कि वो खेती का काम को छोड़ने लगे थे। तो पीडीएस में इनके समय केवल 54,000 कार्ड थे, आज हमारे यहाँ 54 लाख कार्ड थे, हमारे अभी 72 लाख कार्ड है जिनको हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पीडीएस के माध्यम से, यूनिवर्सल पीडीएस के माध्यम से सभी लोगों को हम राशन